नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड जी के वेरी जी ट्रिक्स में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड फॉरेस्ट रेंजर एग्जाम 2015 के पार्ट टू के बारे में। दोस्तों इससे पहले मैं इसका पार्ट वन बना चुका हूँ, अगर आपने वो पास नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो हम पहली वीडियो में हमने 34 तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसके बाद के क्वेश्चन दोस्तों 35 से लेकर 60 ही तक या 70 तक जो भी हम क्वेश्चन होंगे, 30 या 35 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो ये वीडियो देखने से पहले आप इसका पहला पार्ट जरूर देख लीजिएगा, ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो में कुछ भी गलती होती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल में आपको उत्तराखंड की और भी बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, अगर आपने वो भी नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा 35वां क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत के उपराष्ट्रपति का कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? तो ऑप्शन ए है साधारण विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस लौटाना, ऑप्शन बी है धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस लौटाना, ऑप्शन सी है लोकसभा भंग करना, या ऑप्शन डी है राज्यसभा का अधिवेशन बुलाना। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी कि धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस लौटाना उपराष्ट्रपति का एक संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। और विशेषाधिकार कौन कौन से हैं पूछा जाएगा, तो साधारण विधेयक को दोस्तों पुनर्विचार हेतु ये लौटा सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है और राज्यसभा का अधिवेशन सकता है। अगला हमारा 36, किस आयु तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कार्य कर सकते हैं? तो मैक्सिमम दोस्तों 65 वर्ष की आयु तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कार्य कर सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं प्रेजेंट होते हैं अगर ये पूछा जाएगा, तो वो होते हैं दोस्तों 31 + 1 31 हैं। और अभी वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? तो अभी तो है दीपक मिश्रा जी, लेकिन दोस्तों हमारा 1 नवंबर से हमारा गोगिया जी या गोलिया जी कोई इस टाइप से ही है, वह मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभालेंगे। अगला हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 37वां, की पंचायत का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी कि पंचायत का राज्यकाल मात्र 5 वर्ष का होता है, और अगर कुछ विशेष परिस्थितियों में 1 वर्ष तक भी बढ़ाया जा सकता है। तो सामान्य कार्यकाल पूछा है तो यहाँ पर उसका आंसर हो जाएगा 5 वर्षों तक। 38वां काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि आर्थिक दृष्टि से भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सेल कौन सा है? तो ऑप्शन ए है गोडवाला सेल, ऑप्शन डी है बी है धारवाड़ सेल, ऑप्शन सी है विंध्यन सेल, ऑप्शन डी है कड़प्पा सेल। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों धारवाड़ सेल आर्थिक दृष्टि से भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सेल है। 39वां क्वेश्चन है दोस्तों कि मंडक नदी निम्न में से किस एक नदी तंत्र से संबंधित है? तो दोस्तों जो गंडक नदी है, सॉरी गंडक नदी, इसमें से दोस्तों ऑप्शन है हमारे ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गंडक नदी निम्न में से कौन सी नदी तंत्र से संबंधित है? तो गंगा नदी तंत्र से संबंधित है। अगला और काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 40वां क्वेश्चन कि किस ऊंचाई पर अल्पाइन वन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए है हमारा 1800 से 2000 मीटर, ऑप्शन बी है 900 से 1800 मीटर, ऑप्शन सी है 2000 से 2500 मीटर, या ऑप्शन डी है 2900 से 3500 मीटर। तो दोस्तों किस ऊंचाई तक अल्पाइन वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों 2900 से 3500 मीटर तक हमारे अल्पाइन वन पाए जाते हैं। अल्पाइन वन में कौन कौन से प्रकार के वन आते हैं दोस्तों, जैसे कि हमारा मतलब कौन कौन से प्रकार के वृक्ष आते हैं, जैसे बुरांस, देवदार या जो भी हमारे दोस्तों तेल युक्त वृक्ष होते हैं वह सब अल्पाइन वनों में आते हैं। और वनों का क्लासिफिकेशन किया जाता है अलग टाइप से, तो उसी का एक प्रकार होता है हमारा अल्पाइन वन, जो कि इसकी जो हाइट है दोस्तों अलग अलग प्रकार के वनों की काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वैसे वनों का वर्गीकरण 8 प्रकार से किया जाता है, वो है उपोष्ण कटिबंधी वन, दूसरा होता है उष्ण कटिबंधी शुष्क वन, तीसरा होता है उष्ण कटिबंधी आर्द्र पतझड़ वन, चौथे होते हैं कौणधारी वन, पांचवे होते हैं पर्वती शीतोष्ण वन, छठे होते हैं हमारे उप एल्पाइन या एल्पाइन वन जिनकी बात इन क्वेश्चन में की गई है, जिसकी हाइट होती है 2900 से 3500 मीटर। और मेनली कौन कौन से वृक्ष होते हैं दोस्तों इसमें, जो भी हमारा बुरांस होता है, देवदार होता है या फिर ब्लू पाइन या सिल्वर फर, ये क्या होते हैं सभी तेल युक्त वृक्ष होते हैं दोस्तों और कच्चे भी ये जल जाते हैं। 7वां हमारा टाइप होता है दोस्तों एल्पाइन झाड़ियों का या घास के मैदान, और 8वां होता है तुंद्रा तुल्य वनस्पतियों का। तो ये जो 8 प्रकार से दोस्तों मेनली हमारे वन को बांटा गया है, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 41वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा
कि भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, स्थित है हमारा नीलगिरी में, ठीक है। तो नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो कि मेनली हमारे 3 राज्यों से संबंधित है। तो ये होता है तमिलनाडु, केरला और दोस्तों कोई एक राज्य और है जो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इन 3 राज्यों में नीलगिरी जो हमारा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है वह फैला हुआ है, सॉरी कर्नाटका, अब याद आ गया कि तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित है। अगला 42वां और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में अधिकांश वर्षा होती है तो कौन से मानसून के कारण होती है? तो दोस्तों दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा भारत में अधिकांश वर्षा होती है। और दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने उत्तराखंड जियोग्राफी के ऊपर सभी वीडियोस बनाई हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। 5 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स में मैंने जितनी भी उत्तराखंड जियोग्राफी है सारी कवरअप कर रखी है। तो भी कौन से मान हिमालय में सर्वाधिक वर्षा होती है, कौन से हिमालय से मानसून आता है, कहाँ से जाता है, भूकंप उत्तराखंड की जियोग्राफी है, मैंने वो 5 वीडियोस में कवरअप कर रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाके उसका लिंक देख लीजिएगा, वो आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो भारत में अधिकांश वर्षा कहाँ से होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा होती है। अगला 43वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि हमारा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है हमारा पेराम्बूर में। कहाँ स्थित है? पेराम्बूर में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 44वां कि निम्न में से किस सर्वप्रथम मौर्यकालीन ब्राह्मी का उद्याधन किया था? ऑप्शन ए है विलियम जोन्स, ऑप्शन बी है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन डी है जॉन मार्शल। क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम मौर्यकालीन ब्राह्मी का उद्यावन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने दोस्तों सबसे पहले हमें पता है कि क्या पढ़ा था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। तो अशोक के शिलालेख कौन सी लिपि में थे दोस्तों? तो ब्राह्मी लिपि में थे। तो क्वेश्चन यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि किसने सर्वप्रथम मौर्यकालीन ब्राह्मी का अध्ययन किया था? तो क्या था? जेम्स प्रिंसेप ने, क्योंकि इसने अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे दोस्तों? टी फैंटनर ने की थी, लेकिन जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था, जो कि अशोक के शिलालेख कौन सी भाषा में? ब्राह्मी भाषा में, ठीक है। अगला 45वां क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा भारतीय राष्ट्रीय उद्यान गैंडे या राइनोसिरॉस की जीव संख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये है हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडे तथा राइनोसिरॉस की जीव संख्या के लिए प्रसिद्ध है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला 46वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि निम्न में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में है? जन, ऑप्शन बी है जनपद, ऑप्शन सी है संग्राम, ऑप्शन डी है ग्राम। तो दोस्तों इसमें से जनपद जो हमारा शब्द था वह ऋग्वेद में उल्लेखित नहीं था, और जबकि जो हमारे जन, संग्राम तथा ग्राम शब्द थे वो हमारे ऋग्वेद में उल्लेखित थे। अब दोस्तों ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? दोस्तों ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कितने पुराण है दोस्तों? 18 पुराण, 6 वेदांग तथा 108 उपनिषद हैं। और दोस्तों जो हमारा गायत्री मंत्र है वह कहाँ से लिया गया है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, ये भी ऋग्वेद से लिया गया है। अस्तो माँ सद्गमेय कहाँ से लिया गया है? तो अस्तो माँ सद्गमेय भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो वो है हमारी सिंधु नदी। और सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो वह है हमारी सरस्वती नदी। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, वेदों की टोटल संख्या होती है 4, जबकि पुराण होते हैं 18, वेदांग होते हैं 6 और उपनिषद होते हैं 108, ठीक है। अगला हमारा 47वां क्वेश्चन है दोस्तों कि भीमबेटका प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए, ऑप्शन बी है स्तूपों के लिए, ऑप्शन सी है मूर्तियों के लिए, ऑप्शन डी है मंदिरों के लिए। तो दोस्तों जो भीमबेटका प्रसिद्ध है वह जो हमारी प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ स्थित है दोस्तों भीमबेटका? भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है, जो किसकी खोज दोस्तों 1948 में श्रीधर वाकड़कर ने करी थी। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। प्रागैतिहासिक काल क्या होते हैं? काल क्या होता है जहाँ ना तो लोगों को पढ़ने की वो जानकारी थी, ना लिखने की जानकारी थी, तो चित्रों के माध्यम से हमें उसके कुछ। अगला हमारा 48वां क्वेश्चन है दोस्तों कि जीतल नामक तांबे के सिक्के को किसने जारी किया था?
ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी है बलबन ने, या ऑप्शन डी है इल्तुतमिश ने। दोस्तों जित्तल नामक तांबे के सिक्के को इल्तुतमिश ने जारी किया था। अब दोस्तों इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इल्तुतमिश कौन था दोस्तों? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था दोस्तों? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो गुलाम वंश की नींव या गुलाम वंश के जो संस्थापक थे दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश को दोस्तों दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, क्योंकि इसने ही अपनी राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कराया था। तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था हमारा? इल्तुतमिश था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम। और कुतुब मीनार का कार्य किसने स्टार्ट कराया था? हमें पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, लेकिन कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा करवाया था अगर पूछा जाएगा तो करवाया था इल्तुतमिश ने। इसने इख्तियार प्रणाली स्टार्ट की, इसने बहुत सारी चीज़ें थी दोस्तों वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे। अगला हमारा 49वां क्वेश्चन है दोस्तों कि जहांगीर चंद्रिका का लेखक कौन था? ऑप्शन ए केशव दास, ऑप्शन बी किशन दास, ऑप्शन सी राम मनोहर लाल, और ऑप्शन डी है प्रदीप गुसाई। तो जहांगीर चंद्रिका का लेखक है हमारा दोस्तों केशव दास। केशव दास जी जहांगीर चंद्रिका के लेखक हैं। 50वां और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था संबंधित थी, किससे संबंधित थी? न्याय से, व्यापार से, सैनिक प्रशासन से, या धार्मिक मामलों से? तो मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था संबंधित दोस्तों सैनिक प्रशासन से, काफी महत्वपूर्ण है। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था सैनिक प्रशासन से संबंधित है, जो कि मैं पहले भी आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ। 51वां क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि शिवाजी के शासन में थे क्या थे? कि अष्ट अध्यक्ष थे, अष्ट सचिव थे, अष्ट प्रमुख थे, या अष्ट प्रधान थे? तो ये क्वेश्चन तो काफी बेसिक है, मैं काफी बार पहले भी दूसरी वीडियोज में डिस्कस कर चुका हूँ कि शिवाजी के शासन में कौन थे दोस्तों? अष्ट प्रधान थे, ठीक है, प्रधान काल में थे। अगला 52वां इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि महलवाड़ी व्यवस्था संबंधित थी शिक्षा से, भू राजस्व से, सामुदायिक व्यवस्था से, या व्यापार से? जो महलवाड़ी व्यवस्था थी दोस्तों ये हमारी भू राजस्व से संबंधित थी, काफी इंपोर्टेंट है महलवाड़ी व्यवस्था भू राजस्व से संबंधित। अगला हमारा 53वां इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था? तो ऑप्शन ए है द्वितीय, ऑप्शन बी हम, ऑप्शन सी है तृतीय, ऑप्शन डी है तृतीय। दोस्तों पहले हुए थे कब कब हुए थे? 1931 में, 1932 में, और 1933 में। तो दोस्तों राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि कब हुआ था हमारा? 1932 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो सभी लोगों को पता होगा 1885 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। अगला हमारा 54वां काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि फेडरेशन ऑफ इंडियन वेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी कि फिक्की की स्थापना कब की गई? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, फिक्की स्थापना कब की गई, यानी कि FICC के फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई दोस्तों सन 1927 ईस्वी में। ये कोल और ऑयल से रिलेटेड है दोस्तों, तो काफी महत्वपूर्ण बनता है फिक्की की फुल फॉर्म भी, जो कि हमारी फेडरेशन ऑफ इंडियन मेंबर्स है ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इसकी स्थापना की गई 1927 ईस्वी में। अगला 55वां काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नेटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, और ऑप्शन डी है हमारा मोतीलाल नेहरू। तो भारतीय नेटाल कांग्रेस की स्थापना करी थी दोस्तों हमारा महात्मा गांधी जी ने, भारतीय नेटाल कांग्रेस की स्थापना। और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम ने करी थी, ठीक है। 56वां और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि किस दल ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस घोषित किया? तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन बचता है कि सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है या कब घोषित किया गया? तो सीधी कार्यवाही दिवस घोषित किया गया दोस्तों 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। और किस दल के द्वारा घोषित किया गया दोस्तों? ये मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस घोषित किया गया, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है ये भी। 57वां और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि साइमन कमीशन के संबंध में निम्न में से कौन कौन से कथन असत्य हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अगर हम ऑप्शन ए यानी कि 1 और 3 कि साइमन कमीशन में 5 सदस्य होते हैं, यह गलत कथन है। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे दोस्तों? 7 सदस्य थे। और कौन सा कथन गलत था दोस्तों इसमें? तीसरा कि लिबरल फेडरेशन ने कमीशन का समर्थन किया था? नहीं,
लिबरल फेडरेशन ने कमीशन का विरोध किया था। तो कमीशन में 5 सदस्य थे, एक ही ऑप्शन गलत है और ऑप्शन सी भी गलत है हमारा कि लिबरल फेडरेशन ने कमीशन का समर्थन किया था। और बल्कि सही इसका तो हमारे कि कमीशन में 7 सदस्य थे, बिल्कुल सही है। हिंदू महासभा ने कमीशन का विरोध किया था, बिल्कुल सही है। और लिबरल फेडरेशन ने कमीशन का विरोध किया था, यह भी बिल्कुल सही है। अगला 58वां क्वेश्चन है दोस्तों कि हमारा निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों सन 1935 ईस्वी अधिनियम द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। 1935 अधिनियम से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, आप लोग जरूर इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लीजिएगा। हर तीसरे एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि हमारा 1935 का अधिवेशन था, तो लोक सेवा आयोग का स्थापना का प्रावधान भी उसी में। और दोस्तों अभी मैंने साइमन कमीशन के बारे में आपको बताया था, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। दोस्तों 1928 में भारत आया था ये, और इसकी साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी, तो ये की गई थी 1927 में। भारत आया था 1928 में, और भारत आते ही इसका दोस्तों बहुत जमकर विरोध हुआ था, ठीक है। तो इसी के चक्कर में दोस्तों साइमन कमीशन में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इसके विरोध में इनको डंडों से इनके सिर पर प्रहार कर दिया गया था, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी 1928 में ही। अगला हमारा 59वां क्वेश्चन है दोस्तों कि अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना किस वर्ष हुई है। तो अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना हुई है दोस्तों हमारी 1927 ईस्वी में। अगला और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसके निम्न में से कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित जाति नहीं है। ऑप्शन ए है डोभाल, ऑप्शन बी है नैथानी, ऑप्शन सी है गुरुरानी या ऑप्शन डी है जोशी। तो निम्न में से कौन सी उपजाति स्थान के आधार पर आधारित जाति नहीं है। दोस्तों जो जोशी जाति है वह स्थान के आधार पर आधारित जाति नहीं है, बल्कि डोभाल, नैथानी और गुर्रानी क्या है, स्थान के आधार पर हमारी आधारित जातियां हैं। अगला हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप यहां से उत्तराखंड के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं कि निम्न में से कौन सी राजपूत उपजाति सूर्यवंशी मानी जाती है। ये क्वेश्चन दोस्तों परमार, मैंने आपको बताया परमार राजवंश की उत्पत्ति स्रोत और कनकपाल के बारे में मैंने जिस वीडियो में आपको बताया था उसमें काफी डिटेल में बताया गया था मेरे द्वारा कि जो हमारी पाल जाति है वह सूर्यवंशी जाति मानी जाती है। यह सारा सब कुछ उस वीडियो में बताया है, तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो निम्न में से कौन सी राजपूत उपजाति सूर्यवंशी मानी जाती है। दोस्तों जो हमारी पाल उपजाति है वह क्या मानी जाती है, सूर्यवंशी मानी जाती है। अगला 62वां, भारत के एक स्थानीय देवता के मंदिर में लोग पत्र द्वारा न्याय के लिए गुहार लगाते हैं, वह देवता कौन सा है। तो आप सभी लोगों को बता होगा दोस्तों गोलू देवता के दरबार में, जिसको गोरिल्ला या गोरी भी कहा जाता है, उनके दरबार में लोग पत्र द्वारा न्याय के लिए गुहार लगाते हैं, गोलू देवता के दरबार में। अगला दोस्तों इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोलू देवता के पिताजी का नाम क्या था। तो इनके पिताजी का नाम था झालू राई, ठीक है। और गोलू देवता का प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों चितई गोलू देवता अल्मोड़ा में, चंपावत में। और दोस्तों एक घोड़ाखाल गोलू देवता का मंदिर भी है, जिसका निर्माण किसने कराया था, बाज बहादुर चंद ने कराया था, जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 63वां क्वेश्चन कि गढ़वाल मंडल में चलौंदा यानी कि घूमने वाले के नाम से किस स्थानीय देवता को माना जाता है, जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन तो आप सभी लोगों को बता होगा कि घूमने वाले देवता के नाम से गढ़वाल मंडल में किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है महासू देवता को। महासू देवता दोस्तों जौनसार क्षेत्र से संबंध रखते हैं हमारा, और महासू में प्रतिवर्ष मेला भी लगता है। महासू देवता के संबंध में आप सभी लोग जानते होंगे इनके बारे में, तो इनको घूमने वाले देवता के नाम से भी जाना जाता है। और कहाँ पर लगता है इनकी स्मृति में मेला, चलौंदा में लगता है, जो कि जौनसार क्षेत्र देहरादून के आसपास पड़ता है। अगला हमारा 64वां क्वेश्चन है दोस्तों कि गणराज्य वंश इतिहास की रचना किसने करी थी। तो ये क्वेश्चन तो आप सभी लोगों को बता होगा, गणराज्य वंश इतिहास की रचना करी थी हमारी मौलाराम जी ने, और ये मैं आपको अपनी परमार राजवंश की वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप वहां से देख लीजिएगा। अगला हमारा है कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य गीत नहीं है। ऑप्शन ए है चांदी तांदी, ऑप्शन बी है थड़िया, ऑप्शन बी सी है चौफुला, ऑप्शन डी है खुदेड़। तो कौन सा लोक नृत्य गीत नहीं है दोस्तों, जो हमारा खुदेड़ है वह क्या है, लोक नृत्य गीत नहीं है, बल्कि हमारी तांदी थड़िया और चौफुला क्या है, लोक नृत्य गीत है। काफी
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हो चुका है। 66वां क्वेश्चन है दोस्तों कि आमतौर से हरिद्वार में कुंभ मेले की समयावधि क्या मानी जाती है। तो दोस्तों आमतौर पर हरिद्वार में कुंभ मेले मकर संक्रांति से वैसाखी तक और प्रत्येक 12 वर्ष बाद कुंभ मेला लगता है, ये आप सभी लोगों को पता होगा। और अर्धकुंभ कब लगता है, प्रत्येक 6 वर्ष बाद अर्धकुंभ मेला लगता है। तो हरिद्वार में जो कुंभ मेले की समयावधि मानी जाती है दोस्तों हमारी, वो मानी जाती है मकर संक्रांति से वैसाखी तक, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। अगला हमारा 67वां क्वेश्चन है दोस्तों कि हिल यात्रा या हिल यात्रा लोक नाट्य का केंद्रीय पात्र कौन है। ऑप्शन ए है लखियाभूत, ऑप्शन बी है शिव, ऑप्शन सी है गौरा, ऑप्शन डी है रणभूत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को बताओगे कि हिल यात्रा लोक नाट्य का केंद्रीय पात्र कौन है दोस्तों, वो है लखियाभूत। कहाँ जो हमारी हिल यात्रा लोक नाट्य का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा दोस्तों, तो पिथौरागढ़ इसका केंद्रीय क्षेत्र है और इसका केंद्रीय पात्र है हमारा लखियाभूत। 68वां और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है मसूरी, ऑप्शन बी है नैनीताल, ऑप्शन सी है पिंडारी, ऑप्शन डी है ओली। दोस्तों जो हमारे ओली बुग्याल है वह क्या है, स्कीइंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और ये ओली जो बुग्याल है वह कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये चमोली रुद्रप्रयाग क्षेत्र में पड़ता है, स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है ओली बुग्याल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओली क्यों प्रसिद्ध है, तो स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चमोली रुद्रप्रयाग क्षेत्र में पड़ता है। अगला 69वां क्वेश्चन है, 69वां क्वेश्चन है दोस्तों कि तुरी एवं रणसिंघा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। तो तुरी एवं रणसिंघा हमारे ऑप्शन ए है औनद्य वाद्य यंत्र, ऑप्शन बी है सुजीरवाद्य वाद्य यंत्र, ऑप्शन सी है धनवाद वाद्य यंत्र, ऑप्शन डी है तत्वाद्य वाद्य यंत्र। तो तुरी एवं रणसिंघा हमारे सुजीरवाद्य प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में भी हमने डिस्कस कर लिए 35 के आसपास क्वेश्चंस, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि हमारा होगा इसका लास्ट पार्ट अगली वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।